हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक नए व्लॉग पर। तो दोस्तों, अभी सुबह का बजा है 8 और मुझे अभी जाना है काम पे। तो अभी मैं काम पे निकलने वाला हूँ और आप लोगों को मैं बाहर का नज़ारा दिखा देता हूँ। यहाँ पे चलिए कोई बात नहीं, मैं पीछे का कैमरा से चालू करके दिखाता हूँ वहाँ पे आगे का नज़र और सोसाइटी का नज़ारा। फिर उसके बाद आप लोग निकल लेंगे काम पर, ठीक है? तो चलिए। दोस्तों, ये है वो घर जहाँ पे मैं रहता हूँ। यहाँ पे ये सोसाइटी है कुछ इस तरह सा, और ये अंदर बहुत सोसाइटी, मतलब बहुत रूम है वहाँ पे अंदर भी। चलिए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे ऐसा था कुछ 1.5 साल पहले, यहाँ पे सब झूले थे। यहाँ पे तो देख, झूले का वो भी एंगल लगाया हुआ है। यहाँ पे सब झूला था इस जगह पे, लेकिन अभी कोई झूला वूला कुछ नहीं है यहाँ पे। बस कुछ बच्चे लोग आते हैं यहाँ पे खेलने के लिए। यहाँ पे ऐसा है, और दिखाता हूँ आगे। वहाँ पे अंदर भी बहुत बड़ा गार्डन है ओ साइड में, और इधर भी एक गार्डन है। ये तो बहुत छोटा है गार्डन, यहाँ पे देखिए। और ये है गेट, मतलब गेट से निकलते ही सीधा ही हमारा घर है यहाँ पे। तो चलिए फिर, अभी मैं जा रहा हूँ काम पे, तो दिखाता हूँ आप लोगों को आगे। तो दोस्तों, अभी मैं निकल गया हूँ वही रास्ते से जहाँ से मुझे रोज जाना पड़ता है। वो तो पीछे 1 किलोमीटर का आगे आ गया हूँ। मैं यहीं पे क्यों बनाता हूँ, क्योंकि जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ से जब निकलता हूँ ना तो गांव लगता है। तो वहाँ पे मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ, क्योंकि अगर गांव वाले क्या घूमते रहते, उन लोग अगर देख लेगा बोलेगा ये क्या बना रहा है सा। तो इसलिए मैं वहाँ पर नहीं बनाता हूँ, यहाँ पे आने के बाद ही बनाता हूँ मैं। अब यहाँ से चलना है, देखो बहुत दूर है। सब नज़ारा बिजारा भी बहुत अच्छा है। ऐसे तो बहुत आते लेकिन कोई रुकता भी नहीं है गाड़ी में। बस जो पैदल चल रहे हैं उन लोग को देखते रहते हैं, उसके अलावा कुछ करता भी नहीं है। यहाँ पे चलते चलते थक जाता हूँ कभी कभी। फिर सारा भी नहीं, सब गाड़ी वाले खाली जाते ही है। अभी 2 गाड़ी वालों को मैं रुकाया था, लेकिन रुका ही नहीं, उन निकल गया था ऐसे। और तो ऐसे भी चलना ही है मेरे को पैदल, इतना कोई टेंशन भी नहीं है, चलते रहते, गाना भी गाते गाते। वो भी चले चलो, चले चलो, कहीं हार न अपनी होवे, चले चलो। मजाक करो, ऐसे कुछ गाते गाते निकल जाता हूँ। चले, मैं फिर डायरेक्ट कंपनी में दिखाता हूँ। कंपनी में आज पता नहीं कौन सा बीम लगाने वाले क्या है, कंपनी में जाने के बाद ही हम लोग को पता चलता है। तो चलिए, देखिए यहाँ पे ना ये साइड इधर और भी बहुत 2-3 जगह पे ईंटें बनते हैं। ईंट दिख रहे होंगे लाल वाले, ट्रक में अभी बढ़ रहा है। तो यहाँ पे सब ईंट भी बहुत ज़्यादा बनता है। चल फिर आगे दिखाता हूँ। दोस्तों, अभी मैंने बीम लगाया हुआ यहाँ पे, अभी तो पूरा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, और आप लोग नहीं देखा तो देख लेना कि सूरत की साड़ियाँ किस तरह से बनता है। इस नाम के टाइटल से मैंने वो वीडियो अपलोड किया था, आप लोग जरूर देखना। यहाँ पे सब जगह चल रहा है। इसके बाद हमको ये बीम भी लगाना है, तो शायद आज सुबह सुबह।
यहाँ पे हम लोग लगाया पूरी तरह से कम्प्लीट हो चुका है और अभी हम लोग जाए। चलिए फिर मैं 12 बजे दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। टेबल वेबल लेके आया है, चलिए फिर मैं आगे दिखाता हूँ। दोस्तों अभी 12:30 बजा है और हम लोग अभी खाना पीना खा लिया है। हम लोग को इधर लगा है हमारा आधे के ऊपर हो चुका है और बाकी एक जोड़ी भी वहाँ पे लगाया है। ये आया है गंगाधर भाई। अगर आप लोगों को नहीं पता, जो मेरा पहले वीडियो में जो मैंने एक्सीडेंट का बताया ना मेरा, ये वाला वो हम दोनों के साथ में ही हुआ था। मेरा घुटना गया था, मेरा हाथ में लगा और उसके घुटने पे लगा था, तो दोनों का साथ में एक्सीडेंट हुआ। ये भाई लगा दोस्तों। कंपनी में वो काम पड़ गया था, उसके बाद मैं जल्दी जल्दी निकल के आ गया था, तो इसके लिए वहाँ पे मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बना पाया। फिर वहाँ से आ रहा हूँ घर पे, वही हालत, सुबह में पैदल चलो, शाम को ही पैदल। देखिए यहाँ पे दिख रहा वो पेपर मिल है, ठीक है, जो पीछे दिख रहा है ना वहाँ पे वो पेपर मिल। और के बाद अभी मेरे को यहाँ से मुझे जाना पड़ता कुछ 3 किलोमीटर। तो देखिए कितना लंबा है, बहुत लंबा है, तो इतना भी अंधेरा नहीं हुआ। चलिए मैं थोड़ा और आगे दिखाता हूँ। फिर दोस्तों हम लोग आ गए फिर से वही जगह पे जहाँ पे ये तालाब है। तो यहाँ इस तालाब से फिर 2 किलोमीटर आगे है। तो दोस्तों अभी एक कार वाला रुका था, बोल रहा था कि लिफ्ट दे दूँ क्या, लेकिन लिफ्ट तो ले नहीं सकता अभी हाल में, क्योंकि मुझे यहीं पे वीडियो बनाना था। तो ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी ने मेरे को अभी कार वाले ने लिफ्ट देने के लिए बोला, सामने से आके बोला था। गाड़ी भी बहुत बड़ी थी उसकी। तो दोस्तों ये जो तालाब दिख रहा है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि यहीं पे है, और भी एक जगह है, यहाँ से कुछ 2.5 किलोमीटर है, वहाँ पे भी एक तालाब है। तो चलिए मैं बाकी का घर पे बात करता हूँ, ठीक है। रोड पे यहाँ पे सही नहीं है क्योंकि पूरा अंधेरा होने आया है। चलिए मैं बाकी का घर पे बात करता हूँ। तो दोस्तों अभी मैं वहाँ से आ गया हूँ घर पे। तो वहाँ पे जो तालाब मैंने जो देखा था, उससे भी बड़ा एक तालाब है, जो मैंने आप लोगों को बोला था ना कि कुछ 2.5 किलोमीटर है। तो बहुत ही मस्त, बहुत मतलब बड़ा तालाब है, लेकिन वहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकता क्योंकि क्या गाड़ी है ही नहीं, पैदल भी चलना पड़ता है, इसलिए मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ। लेकिन कभी ना कभी तो मेरे इस वीडियो में मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा। तो और आज दिन भर जो हुआ मैं मशीन के बारे में, कंपनी में तो बहुत आवाज़ रहती है जहाँ पे मैं दिखा नहीं पाता हूँ घर में, मशीन की आवाज़ भी बहुत ज़्यादा आता है। मेरी आवाज़ भी शायद आप लोग तो पहुँच पा रही है कि नहीं,
मशीन की आवाज़ भी बहुत ज़्यादा रहता है कंपनी में। तो फिर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि पूछ रहा हूँ कि मुझे कंपनी का भी ऐसा वीडियो बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। और आज जिस खाते में मैंने आप लोगों को दिखाया था, उससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया हूँ जो काफ़ी अच्छा चल रहा है। वो एक ही वीडियो जो ज़्यादा चल रहा है, बाकी कोई भी वीडियो इतना नहीं चल रहा है। तो आप लोगों वीडियो देखिए, अगर कोई नया इस वीडियो पे आया है तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैं क्या काम करता हूँ, किस तरह से मेरा काम है, बीम पसारना, मशीन, कपड़े, ये सब आप लोगों को उस वीडियो में पता चल जाएगा। और अभी मैं आप लोगों को बताऊँ कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, घर पे हाल में खाना तो बन चुका है। तो चलिए थोड़ा बाहर का नज़ारा भी दिखा देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि बाहर में क्या है। तो देखिए बाहर आने के बाद कुछ रहता नहीं, वहाँ पे एक रहते हैं फैमिली, यहाँ पे भी रहते हैं लेकिन अभी है नहीं, दो दिन से किधर गए हो गए बाहर। और यहाँ पे लाइट खंभा, सुबह में तो मैंने दिखाया था, बहुत बड़ी सोसाइटी है यहाँ पे। और ये तो मैंने दिखाया हूँ सुबह में, तो यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं ज़्यादातर कि क्या दिखा सकूँ। काफ़ी अच्छा दिख रहा है इतना नाइट में भी, मुझे लगा नहीं था कि इतना दूर आने के बाद भी मेरे को लगेगा कि इतना अच्छा दिखेगा कैमरे में। तो चलिए आगे ऐसा कुछ है नहीं, आगे बस गेट है, गेट के पास जाएगा तो गाँव ही लग जाती है वहाँ पे, और गांव वाले घूमते रहते, गांव वाले भी यहाँ पे बहुत सारे लोग आते रहते हैं, बच्चे लोग तो ज़्यादातर इधर ही घूमते गांव के। मतलब खंभा है ना दोस्तों, तो लाइट फोकस दिख रहा है इसलिए मैं थोड़ा देख रहा हूँ चेहरा, और कुछ नहीं। और क्या दिखाऊँ, वहाँ पे भी अभी अभी घर पे गए हुए सब लोग इस साइड में ना, उन लोग का बच्चे लोग भी दिखाता मैं। तो देखा दोस्तों यही है मेरी बोरिंग सी लाइफ, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, 8:30 भी नहीं बजा अभी तक 8:30 भी नहीं बजा, इससे पहले देख पूरा सुमसम हुआ इधर गेट के आगे हमारी गली में, और गली के सामने बस यही एक है, यहाँ पे भी सुमसम हुआ। तो इसी तरह है, और वहाँ पे आप लोगों को शायद कुत्ता दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, देखिए दीवार पे किस तरह से है वो कुत्ते भी ऐसे ही ज़्यादा ही नाटक करते हैं। तो बस इसी तरह सा है मेरा लाइफ, तो मैं रोज़ का कुछ ना कुछ नया दिखाना चाहता हूँ। तो दोस्तों अगर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे तो मुझे समझ में आए कि मुझे आखिर क्या बनाना चाहिए, है ना। वैसे भी मेरा अभी डेली का कुछ ना कुछ आते रहेगा, तो प्लीज़ देखते रहिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, और थोड़े से भी अच्छा नहीं लगे तो भी लाइक कर दीजिए, है ना, लाइक करते रहिए ताकि हम लोग को थोड़ा अच्छा लगे। हम लोग को भी नहीं, अगर आप लोग बोले ना कि पूरे लाइक के बारे में, जो हर वीडियो लोग जो भी यूट्यूबर या फिर कोई भी बोलते ना कि लाइक कीजिए लाइक कीजिए, लाइक करने के बाद क्या होता है इसके बारे में भी एक डिटेल में मैं पूरा वीडियो बनाऊंगा। असल में लाइक और डिसलाइक से कुछ नहीं होता, उसका एक अलग मेथड होता है जो मैं भी पूरी तरह से नहीं जानता हूँ, लेकिन कभी कभी मैं यूट्यूब पर पढ़ा रहता हूँ ना, तो मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है कि लाइक और डिसलाइक में कुछ नहीं है। इसके बारे में अगले कल परसों या कभी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, मुझे भी पता नहीं कब बनाऊंगा, लेकिन बनाऊंगा ज़रूर, ताकि आप लोगों को मैं पूरी तरह से बताऊं कि आखिर जो हर यूट्यूबर बोलते हैं ना कि लाइक कीजिए इससे क्या होता है, मैं आगे चल के बताऊंगा। तो मेरी वीडियो पे बने रहिए आप, ठीक है। तो ये तो ज़्यादा मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ यहाँ पर।
रहा था, रिक्शा वाला भी जा रहा। वैसे तो यहाँ पे भी बहुत सारे रिक्शे वाले हैं, लेकिन जब भी उन लोग को बोलता हूँ ना कि भाई मेरे को उस तरफ जाना है, तो सच बोलता हूँ दोस्तों, जहाँ पे 15 से लेके 20 रुपए की बात होती है ना, वहाँ पे डायरेक्ट बोलते हैं कि 200 रुपया बोलते हैं, 150 से लेके 200 रुपया। इसलिए मैं ज़्यादा वहाँ पे इन लोग का रिक्शा लेके नहीं जा पाता हूँ। दोस्तों अभी हाल में बारिश हो रही है, आप लोग को दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, हल्का हल्का बारिश हो रही है। देखिए यहाँ पे देख, आप लोगों को पता चल जाएगा है ना, तो हल्का हल्का बारिश हो रही है अभी। तो चलिए कोई बात नहीं, बस यही है मेरा लाइफ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब मैं मिलूँगा अगली वीडियो में, यानी कि कल सुबह में, ठीक है? तब तक के लिए बाय।